हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है ग्लेशियर पे, हमारी एम4 ग्लेशियर पबजी मोबाइल में कब चांस पे आने वाली है, और हमारे BGMI में भी ग्लेशियर फाइनली 3 साल के बाद वापस आने वाली है, और उसी के अलावा हम UMP ग्लेशियर के लीक्स भी आया। सो वो सारा आज की वीडियो में ग्लेशियर होने वाला। सो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे 80,000 हो गया भाई, इसके लिए थैंक यू आप सबका। और हमारे कल ही 80,000 हो गए, और कल ही हमारे टिकटॉक पे भी 10,000 हो गए, मेरे को पता ही नहीं लगा भाई। तो थैंक यू यार इस सब के लिए। सो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने M4 ग्लेशियर की बात करते हैं, हमारी M4 ग्लेशियर पबजी मोबाइल में कब आने वाली है चांस पे। सो देखा जाए, हमारे अभी क्लासिक रेड को 2 दिन रह गया। सो 2 दिन के बाद हमारी M4 ग्लेशियर चांस पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमको चांस पे देखने को मिली थी, लास्ट ईयर 16 दिसंबर को आई थी चांस पे, सो काफ़ी बंदों को निकली थी। तो आपके पास कितने क्लासिक रेट्स हैं मेरे को ज़रूर बताना। मेरे पास 235 हैं, 250 कर लूँगा मैं 2 दिन के अंदर। सो 2 दिन के बाद हम इसकी ओपनिंग करेंगे। कौन कौन एक्साइटेड है इसकी ओपनिंग करने के लिए पबजी में, मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे जाता है उस दिन, लग चांस पे स्कैम होता है या फिर नहीं निकलती है, वो तो हमें परसों को ही पता चलेगा। अब चलते हैं भाई BGMI में। सो BGMI में भी फाइनली हमारी ग्लेशियर आने वाली है। सो आई थिंक BGMI में जब पबजी बैन BGMI न्यू आई थी उस वक्त ग्लेशियर रिमूव कर दी थी इन्होंने क्लासिक रेट से, बट अब फाइनली BGMI में भी ग्लेशियर आने वाली है। मेरे पास BGMI वाली आईडी में ग्लेशियर नहीं है, तो इसकी करेट ओपनिंग भी हम जरूर करेंगे, ठीक है। सो BGMI की ओपनिंग भी काफ़ी टाइम के बाद मेरे चैनल पे आएगी, सो जरूर करेंगे ओपनिंग। बाकी इसी के साथ मिथिक आउटफिट भी आने वाला, बाकी इसका हेड गियर, बाकी कुछ विंटर की आइटम्स है। तो देखते इसमें ये भी एक बढ़िया सिस्टम होगा, आपको 50 का लक फुल होने पर ग्लेशियर निकालने का चांस हो सकते हैं। जैसे गारंटीड एक क्रेट मिलती होती है ना, 50 का लक फुल हो जाता है, हम एक क्रेट ओपन कर सकते हैं, तो उसमें गारंटीड में भी ग्लेशियर है। तो देखते हैं भाई, BGMI वाले यार स्कैम बहुत करते हैं क्रेट ओपनिंग्स में। मैंने देखा जो चीज़ पबजी में 10-10 हज़ार यूसी में निकल जाती है, वो BGMI में बंदे 30-40 हज़ार यूसी लगा के निकालते हैं। तो इसीलिए मैं BGMI की ज़्यादा ओपनिंग नहीं करता हूँ। तो ग्लेशियर ऑब्वियसली ज़रूर निकालेंगे, मेरे पास है भी नहीं मेरे अकाउंट में ग्लेशियर। उसके अलावा भाई मिथिक चेक कर लो, ये वाला मिथिक आई थिंक ये वाला न्यू मिथिक का फर्स्ट टाइम आया, बाकी मेरे को पता नहीं है कंफर्म इस मिथिक का। उसी के अलावा एक हमको बैकपैक भी देखने को मिलता, बैकपैक भी हमारा ठीक है नॉर्मल सा ही है। उसी के अलावा QBZ की स्किन है, ओके। उसी के अलावा एक हमारा ऑर्नामेंट है, इसके बाद ऑर्नामेंट भी सिंपल सा ही है, बाकी एक पैराशूट की स्किन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो BGMI वाले कौन कौन इस क्रेट के लिए वेट कर रहा है मेरे को जरूर बताना। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे UMP ग्लेशियर पे। तो हमारी UMP ग्लेशियर देख लो भाई, ये अल्टीमेट आउटफिट आने वाली है, काफ़ी बढ़िया लगी यार ये वाली आउटफिट, पूरी रशियन लग रही है भाई। ये 6000 यूसी में हम निकालेंगे। तो बाकी ये आउटफिट यार एक्सूट से बढ़िया, सच बताऊँ ये वाली आउटफिट एक्सूट से मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। एक्सूट तो वाहिया था यार इस वाला हमारा, आपको कैसा लगा भाई ये वाला अल्टीमेट जरूर बताना। और इसी के अलावा इसका भाई एंट्री इमोट है ना, जो भाई साहब ओपी है यार, इसका एंट्री मोड चेक कराता हूँ आपको। ये देखो इसका एंट्री मोड भाई, ग्लेशियर का पहाड़ सा बनता है, वो तोड़ के निकलती है, काफ़ी ओपी लगता है भाई इसका एंट्री इमोट यार, क्या ओपी लग रहा है। इसको तो निकालेंगे हम जरूर, बाकी यार करेक्टर भी काफ़ी बढ़िया लगा यार मेरे को ये वाला। बाकी चलते हैं, इसी के अलावा इसमें हमारे एक बैग पैक की स्किन भी आने वाली है, पहले इसका इमोट देख लो, ओके। इमोट भी काफ़ी कूल है यार, इमोट भी बढ़िया लगा मेरे को इसका। बाकी इसके बाद चलते हैं अपने बैकपैक पे, बाकी ये देख लो भाई बैकपैक भी काफ़ी ओपी यार आउटफिट के साथ, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेवल 2 का चेक करते हैं, ओके। इसके बाद लेवल 3, भाई बैकपैक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी के अलावा इसके बाद हमारा ग्लाइडर बहुत हो गया यार, हम मिथिक सब कुछ छोड़ देना चाहिए इनको, हर क्रेट में मिथिक ग्लाइडर डाल देते हैं जो किसी काम का नहीं होता यार, इनको ग्लाइडर की जगह पर अब कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, ये मेरी एक सजेशन है। बाकी देख ये वाला ग्लाइडर भी ठीक है, कुछ ज़रा खास नहीं है, ग्लाइडर तो ऐसे ही यार पता नहीं क्या क्यों डाल रहे हैं। बाकी मौली की स्किन आने वाली है, जैसे हम UMP मैक्स करेंगे हमारी मौली भी मैक्स हो जाएगी। बाकी इसी के अलावा इसमें हमारी एक पॉपुलैरिटी, ये न्यू धंधा शुरू किया हुआ उन्होंने, एक अवतार, ओके। ये हमारा प्रेम, ठीक है, ये क्रिएट भाई काफ़ी ओपी होने वाली है,
ये होने वाली हमारी UMP। भाई क्या ओपी लग रही है यार आउटफिट के साथ, भाई बहुत बढ़िया लगी मेरे को। बाकी UMP को हम लैब में चेक करते हैं इसके सारे अपने इफेक्ट्स कैसे हैं। तो चलते हैं हम अपने लैब में, सो देखते हैं इसका लेवल 1 बेसिक अपीयरेंस भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेवल 2 देखते हैं इसका कैसे होने वाला के लेवल। भाई लेवल 2 भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कूल लग रहा है भाई लेवल 2। ओके इसके बाद एडवांस फॉर्म चेक करते हैं। एडवांस फॉर्म इतना चेंज नहीं हुआ, बेसिक अपीयरेंस जैसा ही लग रहा है लेवल 1 जैसा ही। किल मैसेज भाई इसका बिल्कुल ग्लेशियर की तरह लग रहा है भाई, सच बताऊं मैं ग्लेशियर का भी इसके साथ किल मैसेज ऐड करूंगा। आप बताना आपको दोनों में से कौन सा किल मैसेज बढ़िया लगा, ठीक है। ये है हमारा UMP ग्लेशियर का किल मैसेज, भाई ये भी काफ़ी कूल है यार, ग्लेशियर जैसा ही लग रहा। बाकी आप बताना आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, ग्लेशियर का या फिर UMP का किल मैसेज। बाकी इसके ऑनिट इफेक्ट पे चलते हैं, ऑनिट इफेक्ट भी देख लेते हैं। ओके ऑनिट इफेक्ट ग्लेशियर जैसा, ग्लेशियर का थोड़ा सा बड़ा इससे। इसके बाद फाइनल फॉर्म, भाई क्या कूल लग रही है यार फाइनल फॉर्म। फाइनली भाई UMP आएगी, इसको भी हम मैक्स आउट करेंगे। मैं काफ़ी वेट कर रहा था यार कोई UMP आए बढ़िया सी ऑनिट इफेक्ट वाली, तो आ गई अब भाई हमारे पास। इसका रिलीज डेट भी हमारी 22 दिसंबर होने वाली है, बस थोड़े दिन ही रह गया, आई थिंक 12-13 दिन रह गया। इसके बाद इंस्पेक्ट मोड, ये बाद में आज से क्या कर रही थी भाई, इंस्पेक्ट मोड भी ठीक है। बाकी इसकी लूट क्रेड देखो भाई, लूट क्रेड भी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो कैसे लगी आपको ये वाली गन मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप किस चीज़ के लिए वेट हो, पबजी मोबाइल में ग्लेशियर चांस पे आएगी तो उसका वेट कर रहे हो, या फिर अपने BGMI में ग्लेशियर का वेट कर रहे हो, या फिर UMP का। भाई मैं तो तीनों चीज़ों की वेट कर रहा हूँ और तीनों चीज़ों हम निकालेंगे। सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर देना। तो मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।